वेलकम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लचेज. ओके, तो क्लच का नाम आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा वेल ड्राइविंग एन बाइक बेसिकली. ठीक है, कि क्लच दबा के गियर लगाना एंड ऑल दैट. तो क्लच का बेसिक फंक्शन क्या होता है एंड वो कैसे वर्क करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इन दिस वीडियो. ओके, तो क्लच इज डिफाइंड एज ए मशीन एलिमेंट हुज फंक्शन इज टू इंगेज एंड डिसंगेज ड्राइवर एंड द ड्रिवन शाफ्ट. ओके, तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, टू आइदर इट विल बी एंगेजिंग, है ना. मतलब हमारे पास में एक ड्रिवन चीज़ है, एक अपना ड्राइवर चीज़ है. ओके, तो इट विल बी इंगेजिंग, या तो उन दोनों को इंगेज करेगा और डिसंगेज करेगा, है ना. दोनों एक दूसरे के साथ में वर्क कर रहे हैं तो उसको डिसंगेज करेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ में इंगेज कर देगा. वॉट ड्राइवर एंड द ड्रिवन शाफ्ट. ओके, ड्रिवन एंड ड्राइवर को, दोनों चीज़ों को. ठीक है, एट द विल विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर. और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर, यानी कि अपना जो मेन इंजन है या फिर जो भी मेन मोटर है वो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा, दैट इज नॉट स्टॉपिंग, बट वी आर एबल टू आइदर इंगेज अवर थिंग और डिसंगेज अवर थिंग. ठीक है, तो जैसा बाइक से आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, तो अपना इंजन स्टार्ट रहता है बाइक का एंड इन दैट कंडीशन इट्सेल्फ वी आर वेन वी आर ट्राइंग टू चेंज अवर गियर, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लच को इंगेज करते हैं पहले. ठीक है, एंड क्लच की हेल्प से ही हम लोग गियर को या तो कम करते हैं फिर ज़्यादा करते हैं. ठीक है, वैन अवर प्राइम मूवर इज स्टिल रनिंग, है ना, जो अपना इंजन है वो कंटिन्यूसली रन होता रहता है. ओके, क्लच इज यूज टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द प्राइम मूवर. तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया, कि विदाउट स्टॉपिंग. तो क्लचेज का यूज़ अपना ये होता है कि अगर हमको बार बार जैसे स्पीड को कम या ज़्यादा करना है या फिर हमको बार बार एक एंगेजमेंट या डिसंगेजमेंट चाहिए, तो वहाँ पे हम प्राइम मूवर को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको फिर स्टार्ट करने में, बंद करने में इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर लॉसेज एंड उसके जो लाइफ है प्राइम मूवर की वो भी कम होती है. तो व्हाट वी यूज़ द क्लच इन दैट केस. ओके ओके, तो ये इसका मेन एप्लीकेशन हो गया, मेन इसका मोटिव होता है क्लचेज का, क्लच यूज़ करने का. ठीक है, अब काफ़ी जगह पे हम लोग सुनते हैं कि इंगेज और डिसंगेज करने के लिए तो कपलिंग भी यूज़ करते हैं, या फिर इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द टॉर्क फ्रॉम द प्राइम मूवर टू द ड्राइवर, है ना. ड्राइवर से लेकर ड्रिवन तक जब अपने को टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो वी यूज़ कपलिंग्स ऑल्सो. तो कपलिंग में और क्लच में बेसिक डिफरेंस क्या है, उनकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं. तो बेस्ड अपॉन फ्यू पैरामीटर्स, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्शन की. ओके, तो हम जब कनेक्शन की बात करते हैं तो क्लचेज आर यूज्ड टू ऑब्टेन ए टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन ड्राइवर एंड द ड्रिवन शाफ्ट. ओके, तो यहाँ पे जो होगा कनेक्शन दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेरी इन नेचर, है ना, यानी कि एक बार हमने उनको इंगेज किया फिर हटा दिया, तो कनेक्शन इज नॉट परमानेंट देयर, इट इज टेम्परेरी. बट इन केस ऑफ कपलिंग द कनेक्शन इज परमानेंट. ओके, परमानेंट का मतलब क्या है, कि हम लोगों के पास में एक शाफ्ट है, ये अपना लेट्स से ड्रिवन पार्ट है. ओके, और लेट से दूसरी तरफ अपना ड्राइवर पार्ट है. ओके, एंड दिस पार्ट विल बी परमानेंटली इंगेज्ड विद इट, है ना, इन दोनों के बीच में एक परमानेंट इंगेजमेंट होगा, ड्राइवर के बीच में, ड्रिवन के बीच में, एंड दैट इज गोइंग टू रन इट. ओके, ये एक पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा क्या होता है, सर्विस टाइप के बेसिस पर अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने बात किया कि क्लचेज का मेन जो एप्लीकेशन है दैट इज़ फॉर फ्रीक्वेंट स्टॉप एंड स्टार्टिंग ऑफ द सर्विस, यानी कि इंटरमिटेंट सर्विस के लिए हम लोग क्लचेज यूज़ करते हैं ना. इंटरमिटेंट अपना बार बार बंद हो रहा है या फिर बार बार चालू हो रहा है, बार बार अपने को गियर चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द क्लचेज. वाइल कपलिंग का जो यूज़ होता है दैट इज़ फॉर कंटिन्यूस सर्विस, है ना, क्योंकि एक बार हम लोगों ने कपलिंग बना दिया, एक बार लगा दिया, उसके अंदर इंगेज कर दिया, तो उसको हम यूजुअली नहीं डिसंगेज करते हैं, क्योंकि वो परमानेंट टाइप की चीज़ है. तो इट इज़ फॉर कंटिन्यूस सर्विस. तो जो चीज़ अपनी कंटिन्यूसली रन हो रही हैं, तो वहाँ पे एक मोटर से शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए वी यूज़ द कपलिंग ओनली. ठीक है, एंड देन अगर आप लोग शाफ्ट के बेसिस पे बात करें कि शाफ्ट का जो अलाइनमेंट है वो कैसा हो सकता है, तो इन क्लचेज दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन को लीनियर शाफ्ट ओनली. ठीक है, को लीनियर शाफ्ट के बीच में ही हम लोग क्लचेज को यूज़ करते हैं, जबकि जो अपनी कपलिंग है डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ अवर शाफ्ट वी कैन डिजाइन अवर कपलिंग ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको को लीनियर एज वेल एज नॉन को लीनियर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इसको, है ना. तो किसी भी केस के लिए जिस टाइप की भी हमको कपलिंग चाहिए उस टाइप का कपलिंग डिजाइन करेंगे, वी विल यूज इट. तो उतना सिंपल होता है उसमें.
ओके एंड ऑल्सो की जो कपलिंग होती है अपनी, वो रिजिड कपलिंग हो सकती है, फ्लेक्सिबल कपलिंग हो सकती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. जस्ट फॉर आइडिया वी कैन हैव दैट थिंग पॉसिबल देयर. ओके देन अगर हम स्पीड वेरिएशन की बात करें तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लचेज द ड्रिवन मशीनरी कैन रन एट वेरिएबल स्पीड, है ना. तो जो अपनी ड्रिवन मशीनरी है, ड्रिवन मशीनरी अगर हम लोग अगेन बाइक का एग्जांपल लेंगे, फिर ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ पर ड्रिवन इज अवर व्हील, है ना. तो ड्रिवन मशीनरी कैन रन एट वेरिएबल स्पीड, है ना. डिफरेंट स्पीड पे जो है वो रन कर सकती है. यानी कि हम लोग अपनी बाइक को 30 की स्पीड से भी भगा सकते हैं, 40 की से भी भगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उसको किस गियर में इंगेज किया हुआ है, है ना. बट इन कपलिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट देयर. ओके यहाँ पे जो है, एक बार जितना भी हमने रेशियो सेट कर दिया, यूजुअली तो दोनों का सेम ही होता है क्योंकि गियरबॉक्स यूज कर नहीं रहे हम लोग डायरेक्ट कपलिंग के लिए. तो जो हमारा ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड होगा वही हमारा ड्राइवर शाफ्ट का स्पीड होगा, है ना. और दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. ओके तो यहाँ पे हम वी कैन से दैट स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ ड्राइवर शाफ्ट, है ना, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट. अगर ड्राइवर का चेंज होगा तो ही ड्रिवन का चेंज होगा, अगर ड्राइवर का कांस्टेंट है तो ड्रिवन का भी कांस्टेंट होगा. बट यहाँ पे आई मीन इन केस ऑफ क्लच द ड्राइवर एंड ड्रिवन, उनको हम लोग एक वेरिएबल स्पीड दे सकते हैं, ठीक है. ओके नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लचेज एंड कपलिंग्स. अभी हम लोग अगर क्लचेज का थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लचेज, ठीक है. क्लचेज का क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया जाता है. ओके तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग इस टाइप की चीज़ों की बात करते हैं तो एक टर्म काफ़ी बार सुनने को मिलता है, पॉजिटिव, है ना. पॉजिटिव आइसोलेशन, पॉजिटिव क्लच, पॉजिटिव ड्राइव, पॉजिटिव शाफ्ट, इस टाइप की ये जो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव फ्रिक्शन, इस टाइप का जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है. तो एक तो अपना होगा पॉजिटिव क्लच, जिसको कि हम लोग जॉ क्लच या फिर क्लॉ क्लच भी बोलते हैं. ओके वन क्लासिफिकेशन इज दिस. अनदर क्लासिफिकेशन दैट वी गेट हियर इन टर्म्स ऑफ क्लच इज अवर फ्रिक्शन क्लच, है ना. यानी कि फ्रिक्शन के बेस पे मुख्य चीज़ है फ्रिक्शन क्लच. इनको थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे, इनका सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. अगर सब क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव जो क्लचेज होती हैं उनको हम यूजुअली तीन कैटेगरीज में देखते हैं. इट कैन बी ए सॉ टूथ टाइप, यानी कि एक तरफ में सॉ बना हुआ है और एक तरफ में टूथ बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है. दूसरा इट कैन बी ए स्क्वायर क्लच टाइप. जो उनका नाम का बेसिक मीनिंग है ना वही टाइप का ही है वो, उससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. और इट कैन बी स्पाइरल क्लच, ठीक है. दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स और से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव क्लचेज. अगर हम लोग फ्रिक्शन क्लच की बात करेंगे तो वहां पे इट कैन बी आइदर इट विल बी ए लेट्स से रेडियल क्लच. ओके एक रेडियल क्लच हो सकती है. रेडियल क्लच का मतलब क्या, हम उसको सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी बोलते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल लोड के लोड को यूज करके वो क्लचिंग का एक्शन वहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है. और इट कैन बी डिवाइडेड इन डिवाइडेड एज ए एक्सियल क्लच ऑल्सो. जब हमारा जो लोड लग रहा होगा दैट इज इन एक्सियल डायरेक्शन तो हम लोग उसको बोल देंगे एक्सियल क्लच, ठीक है. अब एक्सियल क्लच के वही क्लासिफिकेशन होते हैं जो हम लोगों ने कॉलर के लिए पढ़े हैं, ठीक है. तो कॉलर्स के लिए क्या होते थे, वन क्लासिफिकेशन वॉज आइदर इट विल बी ए कॉनिकल क्लच. ओके तो कॉनिकल क्लच हो सकता है और इट कैन बी ए सिंपल प्लेन क्लच या फिर डिस्क क्लच जिसको हम लोग बोलते हैं. एंड दैट अगेन कैन बी सब डिवाइडेड एज आइदर ए सिंगल प्लेट और ए मल्टीपल प्लेट, ठीक है. अगर हम लोग एक ही प्लेट यूज कर रहे हैं तो आई विल कॉल इट एज सिंगल प्लेट. अगर एक से ज़्यादा प्लेट्स यूज कर रहे हैं तो विल कॉल इट एज मल्टीपल प्लेट्स, ठीक है. तो ये जो है इनका बेसिक क्लासिफिकेशन है क्लचेज का, बेस्ड अपॉन कि किस टाइप की उनकी वर्किंग है. तो उनको पॉजिटिव एंड फ्रिक्शन बेस पे डिफाइन कर लिया और फिर वहाँ पे भी उनके सब डिवीजन अपन ने देख लिया. यहाँ पे अभी अगर पॉजिटिव क्लच का देखेंगे कि पॉजिटिव क्लच एग्जैक्टली होता क्या है, तो दीज आर पॉजिटिव ड्राइव्स हेंस नो स्लिप. तो पॉजिटिव ड्राइव का बेसिक मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव ड्राइव जो हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि परफेक्ट उनके बीच में जो हम मोशन या फिर जो लेके आना चाहते हैं वो वहाँ पे हो रहा है, यानी कि नो स्लिप विल बी देयर. ओके
फाइन, तो ये तो गो अपना पॉजिटिव ड्राइव. सेकंड थिंग है सडन एंगेजमेंट, अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो देर इज़ गोइंग टू बी ए इम्पैक्ट, है ना. सडन एंगेजमेंट की वजह से उन दोनों के बीच में एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एक जर्क क्रिएट होगा जो अपने ड्राइवर और ड्रिवन जो पार्ट्स हैं दोनों के बीच में, ठीक है. उसके अलावा बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट जर्क सॉर्ट ऑफ थिंग, इट इज़ लिमिटेड टू स्मॉल स्पीड्स ओनली, लिमिटेड टू लो स्पीड एप्लीकेशन. छोटे स्पीड्स के लिए ही इसको यूजुअली हम लोग ट्राई आउट करते हैं. ज़्यादा अगर हाई स्पीड्स होगी तो इसको नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जर्क और उसकी जो पॉसिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है. देन क्लच कैन नॉट बी इंगेज इन लोडेड कंडीशन, ठीक है. तो नो इंगेजमेंट या फिर नॉट इंगेज इन लोडेड कंडीशन, क्योंकि अगर लोडेड कंडीशन में होगा तो उसके बीच में सीयर आउट होने का एंड इसके एलिमेंट के फेल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं वहाँ पे. दैट इज़ वाई वी डोंट वांट टू इंगेज इट इन लोडेड कंडीशन, दैट पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज लेस. सॉरी, द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज हाई, ओके. एंड इसके अंदर जो है हम हाई पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं. क्यों हाई पावर ट्रांसमिशन क्यों है इसकी कैपेसिटी? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ इट. ओके, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज हाई क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में परफेक्टली अटैच्ड हैं. ये देखो, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसा हम अगर यहाँ पे बात करें, इसके ऊपर मैंने टीथ बना दिया, ओके. ये मेरा लेट्स से ड्राइवर है और इस ड्राइवर के ऊपर मैंने ये दो टीथ यहाँ पे बना दिया है, और इधर मेरा ड्रिवन है और उसके अंदर मैंने स्लॉट्स बना दिए. ठीक है, अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंगेज होंगे तो देर इज गोइंग टू बी परफेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन देम. ठीक है, तो उस परफेक्ट एंगेजमेंट की वजह से अपने यहाँ पे क्या होगा? देखो, सडनली जैसे ही लगेगा, देख हल्का सा जर्क आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में सडनली अटैच हुए, है ना. इसको हम लोग इस तरफ लेके आए. तो सेकेंड थिंग जो हमने बात किया था कि स्लिप नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि स्लिपेज का कोई चांस ही नहीं है. दोनों एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं प्रॉपरली, एक दूसरे के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो गए, फिट हो गए हैं. एंड अगेन, क्योंकि एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट हैं दोनों के दोनों, पॉजिटिविटी है दोनों के बीच में. दैट इज़ वाई आई कैन से कि मैं हायर पावर जो है यहाँ से ट्रांसमिट कर सकता हूँ. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे इसका, तो रोलिंग मिल वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, रोलिंग मिल्स में, तो रोलिंग मिल्स में क्या है, स्पीड कम है यानी कि लोअर स्पीड के लिए, और पावर जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, ये हमने जो नीचे डायग्राम बनाया, दैट इज़ लेफ्ट साइड इज़ अवर ड्राइवर साइड, ठीक है, और ये अपना ड्रिवन साइड हो गया, ओके. और जो बीच में है इनके, दीज आर टीथ, ओके, दोनों तरफ, दोनों के ऊपर टीथ है विच आर गोइंग टू गेट एंगेज विद ईच अदर, है ना. और वो जो है अपने यहाँ पे पॉजिटिव क्लचिंग का अपने को एप्लीकेशन देंगे. ठीक है, नाउ अगर हम लोग फ्रिक्शन क्लच की बात करें सिमिलरली, ठीक है, तो दीज आर स्लैक क्लचेज. ठीक है, जैसे वहाँ पे पॉजिटिविटी थी, यहाँ पे स्लैकनेस है थोड़ी सी. ठीक है, तो दीज आर स्लैक ड्राइव्स, ओके. उतना टाइट नहीं है जितना वहाँ पे होता था. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हल्की फुल्की स्लिपेज होगी, है ना, स्लिपेज विल अकर हेयर. देन स्लिप जब हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट होता है, यानी कि सडन कुछ नहीं है, तो देर इज ए ग्रेजुअल एंगेजमेंट. कंपेरेटिवली हम लोग यहाँ पे ग्रेजुअल एंगेजमेंट करते हैं. ठीक है, अगले जो होगा इसका, बिकॉज देर इज ए ग्रेजुअल एंगेजमेंट, देर इज नो जर्क, देर इज नो इम्पैक्ट, तो हम इसको हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज यूजफुल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन. ठीक है, कैन बी एंगेज इन लोडेड कंडीशन, है ना, कैन बी एंगेज इन लोडेड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे उसके टूटने का उसका इतना चांस है नहीं. लोडेड कंडीशन के अंदर इसको फिर इजीली हम जो है इंगेज कर सकते हैं. एंड देन द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल बी लेसर एज कम्पेयर टू पॉजिटिव रे, है ना. तो पावर ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी होगी कि कितना पावर ट्रांसमिशन कर सकता है, दैट इज लेस. ठीक है, उसके कंपैरिजन में अपने पॉजिटिव ड्राइव कंपैरिजन में यहाँ पे लेस होती है. एंड अगेन वी सेड कि या तो ये एक्सेल क्लच हो सकती है, रेडियल टाइप की क्लच हो सकती है. तो जब एक्सेल क्लच होगी तो फोर्स अप्लाइड फॉर एंगेजमेंट इन एक्सेल डायरेक्शन, और जब रेडियल होगी तो फोर्स अप्लाइड इज इन रेडियल डायरेक्शन. ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन क्लच की या फिर डिस्क क्लच की, कि वो कैसे वर्क करती है, उसका क्या प्रिंसिपल है वर्किंग का. तो लेट्स से जो मेरी लेफ्ट साइड है, दैट इज़ माई ड्राइवर साइड, है ना, दिस इज द ड्राइवर साइड. एंड जो राइट साइड है, दैट इज़ अवर
driven side. If driver shaft is driven shaft, this I can say that is my flywheel. ओके फ्लाईव्हील है जिसकी हेल्प से जो मैं ड्राइवर शाफ्ट का जो पावर है या फिर टॉर्क है दैट आई एम ट्राइंग टू ट्रांसमिट टू द ड्रिवन साइड. ठीक है एंड दिस इज फिक्स्ड, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया. ओके नाउ मतलब फिक्स कर दिया जिन कि एक्सेल इसका मूवमेंट कुछ नहीं है. एक्सेल मतलब ये डायरेक्शन का इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है. ठीक है वैसे रोटेशन तो हो ही रहा है. अगर हम लोग ड्रिवन की बात करेंगे तो ये अपना हो गया ड्रिवन प्लेट. ठीक है दिस इज़ अवर ड्रिवन प्लेट और ड्रिवन डिस्क भी मैं बोल सकता हूँ इसको और मैं प्रेशर डिस्क भी बोल सकता हूँ इसको. ठीक है प्रेशर डिस्क क्योंकि इसके ऊपर में जो है पूरा का पूरा प्रेशर आने वाला है एंड दिस इज मूव्ड इन एक्सेल डायरेक्शन. इसका मूवमेंट हो गया इधर अपन अभी एक्सेल डायरेक्शन के अंदर. अभी इन दोनों के बीच में जो अपन ने लगाया हुआ है दैट इज माई क्लच प्लेट. दिस इज माई क्लच प्लेट. ठीक है तो बेसिकली क्लच प्लेट का क्या हो गया रोल कि दोनों को वो एंगेज करेगी विद द हेल्प ऑफ ए फ्रिक्शन लाइनिंग. इसको क्लच प्लेट या फिर फ्रिक्शन प्लेट भी बोल सकते हैं एंड इसके ऊपर हम लोगों ने फ्रिक्शन लाइनिंग की हुई. ठीक है दिस इज माई फ्रिक्शन लाइनिंग जिसकी वजह से कि दोनों के बीच में एंगेजमेंट जो है वो प्रॉपर होगा. ओके फ्रिक्शन लाइन जो होती है वो यूजुअली इट इज़ मेड ऑफ एस्बेस्टस. ओके यूजुअली एस्बेस्टस के एक मटेरियल की बनाई जाती है जिसका कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो काफ़ी हाई होता है. ठीक है जैसे कि अपने को प्रॉपर वहाँ पे क्लचिंग एक्शन मिल सके. ओके अब जब दोनों एक दूसरे के साथ में इंगेज होंगी तो लेट्स कंसिडर फ्यू थिंग्स हियर. ठीक है लेट्स से कि इसका जो रोटेटिंग स्पीड है दैट इज़ ओमेगा वन. ओके और इसका जो रोटेटिंग स्पीड था दैट इज़ ओमेगा टू इनिशियली. ओके इनिशियली दोनों का एक का ओमेगा वन है एक का ओमेगा टू है. ओके एंड जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर हो गया थीटा वन और इसके ऊपर हो गया थीटा टू. ओके दैट इज़ कि अपना मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जनरल कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं थीटा वन एंड थीटा टू जिससे हम लोग इसकी इक्वेशन लिख सकें. ओके फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो इसका अल्फा वन हो गया इसका अल्फा टू हो गया. ओके एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो इसका आई वन हो गया इसका आई टू हो गया. ओके एंड हम लोग टॉर्क की बात कर सकते हैं कि टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय ड्राइवर इज टी वन एंड टॉर्क टू बी टेकन बाय द ड्रिवन शाफ्ट दैट इज टी टू. ओके तो दिस इज माय टॉर्क ऑन ड्राइवर साइड है ना एंड दिस इज माय टॉर्क ऑन ड्रिवन साइड. ओके तो ये जब सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे पास में यहाँ पे आ गए क्लच के रिगार्डिंग तो अब हम इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं दूसरे के साथ में. ठीक है तो एनालिसिस में हमारा सबसे पहले क्या होगा लेट्स से आई डू द एनालिसिस ऑफ ड्राइवर. ठीक है ड्राइवर की साइड को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. आई नो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो आई वन अल्फा वन हो जाएगा. अल्फा वन अगर हम यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड देखते हैं यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है तो मेरे को यहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा बिकॉज ड्राइवर इज गेटिंग डिसेलरेटेड उसका जो एक्सेलरेशन वो कम होगा बिकॉज इट इज ट्रांसमिटिंग इट्स टॉर्क टू ड्रिवन ड्रिवन साइड तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस पुट करेंगे. तो अल्फा वन इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस टी वन अपॉन आई वन दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा वन अपॉन डी टी स्क्वायर है ना. ये अपना सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन होता है. एंगल के साथ में अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा वन दैट इज इक्वल टू माइनस टी वन अपॉन आई. ओके एंड यहीं से अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो डी थीटा वन अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू टी वन अपॉन आई वन टी प्लस देर इज गोइंग टू बी सम कॉन्स्टेंट ओवर हेयर विच वी डोंट नो कि कॉन्स्टेंट क्या होगा एंड डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा होता है. नाउ एट t इज इक्वल टू जीरो जो मैं इनिशियल स्पीड थी दैट ओमेगा वाज ओमेगा वन ये अपने कंसिडर किया था. इफ आई पुट दैट हेयर ओके तो ये मेरा क्या हो जाएगा ओमेगा वन इज इक्वल टू माइनस टी वन अपॉन आई वन इन टू जीरो जीरो टाइम बोले सी यानी कि c इज इक्वल टू ओमेगा वन तो मेरा यहाँ पे जो d थीटा वन बाई डी टी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज माइनस टी वन अपॉन आई वन इन टू टी प्लस ओमेगा वन. ठीक है ये अपना यहाँ पे निकल गया है एंगुलर स्पीड का
एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर. नाउ सेम एनालिसिस हम लोग करेंगे ड्रिवन के लिए, तो सारी चीज़ें सेम है. द ओनली थिंग इज इट इज़ गेटिंग एक्सेलरेटेड. तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, आई टू इंटू अल्फा टू होगा, पॉजिटिविटी आएगी इधर. ठीक है, तो सिमिलर चीज़ करने के बाद में डी स्क्वायर थीटा टू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा टू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टी टू अपॉन आई टू, है ना. और इसके बाद जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डी थीटा टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी टू अपॉन आई टू इंटू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट हेयर. ओके, एंड अगेन वही अगर हम लोग ये जूम करते हैं कि टी इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो टाइम पे अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा टू है, तो द रिलेशन दैट आई विल गेट हियर इज डी थीटा टू बाई डी टी इज इक्वल टू टी टू अपॉन आई टू टी प्लस ओमेगा टू. ठीक, ये अपना आ गया द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिवन से. ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, ड्राइवन साइड को देखता हूँ, ड्रिवन साइड को देखता हूँ, ड्राइवर साइड को देखता हूँ, तो इफ़ आई वांट टू नो द टाइम एट विच बोथ अटेन सेम स्पीड, ओके, सो द टाइम व्हेन बोथ आर गोइंग टू अटेन सेम स्पीड, बोथ स्पीड्स आर सेम, ओके, तो जब दोनों की स्पीड्स अगर सेम होंगी तो उसका मतलब क्या हो गया, स्पीड सेम होने का मतलब है कि डी थीटा वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा टू बाई डी टी, है ना. और इसमें अब मैं क्या करूँगा, वन इज इक्वल टू टू कर दूंगा, तो जो मेरा पहले का एक्सप्रेशन था दैट इज माइनस टी वन अपॉन आई वन इंटू टी प्लस ओमेगा वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन आई टू इंटू टी प्लस ओमेगा टू. ठीक है, ये मेरा आ गया है दोनों के बीच में रिलेशनशिप. अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो दिस गिव्स मी टी इज इक्वल टू, यानी कि द टाइम इन विच बोथ स्पीड्स आर गोइंग टू गेट सेम इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टी वन अपॉन आई वन प्लस टी टू अपॉन आई टू. ओके, दिस इज द टाइम इन विच बोथ द स्पीड्स विल बिकम सेम, है ना, दोनों की जो एंगुलर स्पीड है वो सेम हो जाएगी. इतने टाइम तक आई विल से कि फ्रॉम जीरो टू टी देर इज गोइंग टू बी स्लिपेज बिटवीन दीज टू, बिकॉज दोनों की जो स्पीड है दैट इज डिफरेंट. ओके, एंड उस स्लिपेज की वजह से, बिकॉज देर इज ए स्लिपेज देर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी लॉस, है ना. तो जो एनर्जी लॉस होगा बिकॉज ऑफ स्लिपिंग होगा, है ना, बिकॉज ऑफ स्लिपेज देर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी लॉस. तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है कि स्लिपेज की कितनी वेलोसिटी है, किस स्पीड के साथ में स्लिपेज हो रहा है, इफ़ आई वॉन्ट टू नो दैट. सो ओमेगा स्लिप वो क्या होगा, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी डी थीटा वन बाई डी टी माइनस डी थीटा टू बाई डी टी, है ना. दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली, तो अगर यहाँ पे अगेन इन दोनों की मैं वैल्यूज डाल देता हूँ तो इट कम्स माइनस टी वन अपॉन आई वन इंटू टी प्लस ओमेगा वन माइनस टी टू अपॉन आई टू इंटू टी एंड दिस विल बिकम माइनस ओमेगा टू. ठीक है, यही जो रिलेशनशिप अपन ने ऊपर लिखा था वो आ गया. नाउ इफ आई कंसिडर कि दोनों का टॉर्क सेम है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, ठीक है, अगर मैं टॉर्क की वैल्यू सेम अज्यूम कर लेता हूँ तो मैं ओमेगा स्लिप, ओमेगा जो स्लिप है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा बस, है ना. एंड फ्रॉम देयर इफ आई कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी लॉस, है ना, कि कितना मेरा एनर्जी लॉस हो गया, तो एनर्जी लॉस कितनी होती है, टॉर्क इंटू ओमेगा होती है ना, ये होती है ना. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा ऑफ स्लिप. अब यहाँ पे मैं अगर दोनों वैल्यूज डाल दूँ तो टी ओमेगा स्लिप विल बी इक्वल टू टी इंटू माइनस टी अपॉन आई वन टी प्लस ओमेगा वन माइनस टी अपॉन आई टू टी माइनस ओमेगा टू. ठीक है, ये अपना आ गया टॉर्क इनटू ओमेगा स्लिप का वैल्यू. नाउ एट द सेम टाइम इफ आई वांट टू नो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम टाइम जीरो टू टी. ठीक है, तो इसी चीज़ का जो है फिलहाल अपना आई कैन कैलकुलेट द इंटीग्रेशन. ओके, तो दैट विल गिव मी द टोटल एनर्जी लॉस, जीरो से टी टाइम के बीच में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट आई विल बी एबल टू कैलकुलेट. ओके, तो अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे. ठीक, तो लेट्स सी क्या हो रहा है इधर. देर इज अ सिंगल प्लेट क्लच विच इज डिजाइन टू ट्रांसमिट पावर ऑफ 10 किलोवाट. ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है कि पावर जो है दैट इज 10 किलोवाट जो अपने को ट्रांसमिट करना है एट 2000 आरपीएम, है ना, यानी कि ओमेगा वन इज 2000 आरपीएम.
driver अभी 2000 rpm पे equivalent mass and radius of gyration of inputs after 20 kg and 75 mm respectively. अगर मैं input के लिए बात करूँ तो जो mass की value यानी कि m1 that is 20 kg, ओके, और उसका जो r1 है यानी radius of gyration, not radius, radius of gyration, k लिख देता हूँ इसको better, ठीक है, तो उसका जो k1 है, k1 is equal to 75 mm, ओके. एट द सेम टाइम अगर मैं आउटपुट साइड की बात करता हूँ तो फॉर द आउटपुट आई एम गिवन एम टू इज इक्वल टू 35 kg, ठीक है, एम टू वैल्यू 35 kg एंड इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है दैट इज 125 mm, ओके. आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम टू ब्रिंग द आउटपुट शाफ्ट टू रेटेड स्पीड, या फिर आई कैन से कि आउटपुट शाफ्ट की जब इनपुट शाफ्ट के बराबर स्पीड हो जाएगी तो वो टाइम कितना होगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट, ठीक है. तो सबसे पहले अपने को टाइम कैलकुलेट करना है एंड सेकेंड अपने को एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है. तो अभी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आई विल से कि जो भी मेरा टाइम के अंदर पैरामीटर्स थे मैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है. टाइम का जो फॉर्मूला अपना आया था ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, टाइम वाज जहाँ पे दोनों ये हो गया था ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टी वन अपॉन आई वन प्लस टी टू अपॉन आई टू, है ना. तो अपना जो टाइम का वैल्यू था दैट वाज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई टी वन अपॉन आई वन प्लस टी टू अपॉन आई टू, ठीक है. देखो यहाँ पे अपने को क्या है, टॉर्क के बारे में कुछ अलग से नहीं दे रखा है दोनों का, यानी कि दोनों के ऊपर जो सेम टॉर्क लगेगा, जब दोनों एक दूसरे से एंगेज होंगे तो देर इज गोइंग टू बी सेम टॉर्क इन दिस टू. तो दिस विल बेसिकली बिकम ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू एंड डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, टॉर्क का जो वैल्यू है उसको कॉमन ले लूँगा मैं दोनों में से, ठीक है. तो टॉर्क को मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, ओके. और अंदर जो बचेगा दैट विल बिकम आई वन प्लस आई टू, और जो नीचे आएगा उसके वो ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वन इंटू आई टू, ठीक है. तो मेरे को अभी इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ओके. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओमेगा वन से. तो ओमेगा वन इज गिवन एज 2000 rpm, rpm देख रखा है, बट हमको तो किस में चाहिए, रेडियन पर सेकेंड में चाहिए. तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इंटू रेडियन पर सेकेंड, तो दिस विल बी 2π इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 60, है ना. तो दैट इज माई ओमेगा वन इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 209.4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. ये आ गया ओमेगा वन. ओमेगा टू के लिए क्या दे रखा है, दैट इज मतलब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या अपनी रेस्ट में है इनिशियली, है ना. तो ओमेगा टू इज इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा वन आ गया, ओमेगा टू आ गया. उसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, आई वन और आई टू चाहिए. तो आई वन की वैल्यू क्या होगी, एम वन के वन स्क्वायर, है ना, यही होता है ना. तो एम वन की वैल्यू कितनी है, 20 kg, राइट, 20 kg. तो एम वन इज इक्वल टू 20 kg इंटू के वन, के वन की वैल्यू कितनी थी, 75 mm, ओके. तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो 0.075 mm का स्क्वायर, है ना. तो ये सिंपली आ जाएगा अपना 0.1125 kg meter square. सिमिलरली जब I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे M2K2 square करके, तो दैट विल बी 35 × 0.125 का स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू आएगी 0.5468 kg meter square. अब मेरा ओमेगा वन ओमेगा टू आ गया, आई वन आई टू आ गया, ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टॉर्क, ठीक है. तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो टॉर्क के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पावर बटे ओमेगा, ठीक है. तो पावर कितनी थी अपनी, 20 kW की पावर थी, राइट. तो 20 kW की पावर है मेरी एंड सॉरी कितनी थी पावर, 10 kW थी ना. तो 10 kW की पावर है डिवाइडेड बाई ओमेगा वन, ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है, 209.4, है ना. तो ये सिंपली मेरे को टॉर्क दे देगा न्यूटन मीटर के अंदर, ओके. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा होगा ये, फाइन. अब हम आगे इसमें टाइम के फॉर्मूले में अब सबकी वैल्यूज अपन डाल देते हैं, ओके. तो लेट्स सी, ठीक है ना. अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं टाइम के फॉर्मूले में अगर सबकी वैल्यू डालता हूँ, तो टी इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, है ना. ये था अपना
तो दैट विल बी 209.4 माइनस जीरो मैगर माइनस टू इंटू आई वन इंटू आई टू यानी कि 0.1125 इंटू 0.5468 डिवाइडेड बाई टॉर्क की वैल्यू. ओके तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 47.74 न्यूटन मीटर है ना, ये वैल्यू 47.74 न्यूटन मीटर आ जाएगी. ओके टॉर्क आ गया इनटू आई वन प्लस आई टू यानी कि 0.1125 प्लस 0.5468. ओके और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम 0.409 सेकंड, यानी कि इसको 0.4 सेकंड्स लगेंगे एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली एंगेज होने में. ओके तो ये अपना निकल गया, टाइम निकल गया. सेकंड पार्ट अपने को क्या निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है. ओके तो एनर्जी लॉस मेरे को टोटल निकालना है. तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 0 to t, टॉर्क कॉमन है तो कॉमन ले लिया दोनों में से, मल्टीप्लाइड बाई माइनस टी अपॉन आई वन इंटू टाइम प्लस ओमेगा वन माइनस टी अपॉन आई टू इंटू टाइम माइनस ओमेगा टू इंटू डी टी है ना, ये है. और इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन ओके ही है, किस टाइप की बन जाएगी, 0 to t अगर इंटीग्रेट कर दूंगा मैं इसको तो टी तो बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i1 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस ये अगेन टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2i2 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी है ना. तो ओमेगा 2 उसकी तो वैल्यू 0 ही है, बाकी सब की हम लोग वैल्यू डाल देंगे इसको सॉल्व करके तो एनर्जी लॉस विल कम आउट टू बी 2.46 जूल. ठीक है दैट इज गोइंग टू बी माय एनर्जी लॉस. तो सिंपल है राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है अपना, उसको अप्लाई करना है एंड वी कैन कैलकुलेट द टाइम दैट इज नीडेड टू परफेक्टली एंगेज देम एंड एनर्जी लॉस, दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंबाइन कैलकुलेट कर सकते हैं.